सहाबी हुजूर के पास आए, एक वजीफा आप मुझसे ले लें, आखिर बात है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उन्होंने आकर तंग दस्ती की शिकायत की कि आका बहुत तंग दस्ती है। इसको आला हजरत फाजिल बरेलवी रब्बाहु तआला ने अपने मलफूजात में लिखा भी है, अपनी किताब में लिखा। वो सहाबी आए और कहा कि बहुत बेबरकती होती है घर में, कुछ भी नहीं बचता और तंगी भी बहुत ज्यादा है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबी, वो तस्बीह क्यों नहीं पढ़ते जो जमीनों के और आसमानों के फरिश्ते भी पढ़ते हैं, सुबह भी पढ़ते हैं और शाम में भी पढ़ते हैं। उस सहाबी ने कहा आका इनायत फरमा दें। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पढ़ा करो, सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानअल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। हम तो हर नमाज के बाद पढ़ते हैं वह बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह, एक टुकड़ा हम नहीं पढ़ते। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानअल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह, कहा 100 मरतबा पढ़ लिया करो, 100 मरतबा पढ़ लिया करो फज्र में या मगरिब में। आला हज़रत ने इसको लिखा है कि वो सहाबी तकरीबन एक महीने के बाद फिर कुछ शिकायत लेकर के आए हुजूर के पास। शिकायत ले पहुंचाने वालों में आप खड़े थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा और पूछा आप क्या शिकायत है, फिर दूसरी शिकायत लेकर के आए। उस सहाबी ने कहा कि हुजूर अब की शिकायत यह है कि माल इतना हो गया है कि रखने की जगह मेरे पास नहीं है, इतना मेरे पास हो गया है कि रखने की जगह नहीं है, मैं उस चीज की किल्लत की शिकायत ले आया हूं कि जगह की तंगी है। यह अंदाजा करें इस तस्बीह का असर इसलिए है कि वो रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुकम्मल तौर पर इत्तबा और पैरवी करते थे और उसके बाद वो वजीफा उन्हें काम आया। आप भी करें, लेकिन साथ में मेरी दावत यह हो कि जो बेबरकती लाने वाले काम हैं उनको पहले खत्म करो, उनको पहले खत्म करो।